सिद्धियों की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने चौपाई तो पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि की, पर बताओ वो आठ सिद्धियां कौन कौन है? हमने तीन बार बता दी, तुम बताओ, बताओ। हैं दांत निकाल लोगे, चौपाई बार पढ़ रहे हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि की राजा वर्दी जान के माता। और कुछ लोग तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं, बजरंगई बली बचाए, पाउडर लगा जा रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आव, ए कंघा ले आओ, कंघा सीसा दो महावीर जब। कुछ लोग सावन लगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते, सावन लगाते जा रहे और कर रहे कंचन वरन विराज सुवेसा, ठटरी के बरे न कटा। अरे भैया हनुमान चालीसा रटना नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। हम नहीं कह रहे हनुमान चालीसा पढ़िएगा, तब उसमें ही लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो ही सीधी साखी गोरी का, तो ये सीधी का की गोरी। अगर पढ़ना नहीं होता तो गोस्वामी जी लिखते क्या, जो यह रटे हनुमान ऐसे लिखते ना हो, बोला हो भैया ऐसे ही लिखा जाता ना, पर क्या लिखा, रटे नहीं लिखा, जो यह पढ़े। और हम लोग क्या करते, रटते हैं, जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, साबुन लगा रहे, सर्फेक्शन लगा रहे। और भैया हम लोग हनुमान चालीसा कब पढ़ते, ये वाली चौपाई। अच्छा देखो, बुरा न मानिएगा, आप लोगों को नहीं कह रहे, हम वेस्ट इंडीज वालों को कह रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी कह दे कि सिरसा की इस गली से मत निकलना, भूत रहता है, और धोखे से रात को निकलना पड़े अकेला सुनसान गली, फिर हनुमान चालीसा आ जाता। कोई घर में कह दे ये पुराना मकान है, कमरे में भूत रहता है, और पूरे घर के लोग चले जाएं मामा के पास निमंत्रण, अकेले रहना पड़े, खिड़की करे खटर पटर, हवा चले फट फट, हो आ गया तुरंत भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भैया गांव के एक बूढ़े आदमी ने घर के एक आदमी ने कह दिया भूत रहता है, तुम्हें भरोसा हो गया? अरे हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर रहते, अगर तुम्हारे घर पे, तुम्हारे कमरे में, गांव के बाहर अगर भूत रहता है तो कण कण में राम जी का दूत भी तो रहता है। लेकिन मूर्खता क्या, भूत पर भरोसा हो जाता, दूत पर नहीं। फिर हम लोग क्या करते, हनुमान चालीसा पढ़ते। बहुत लोग हमें मिलते, गुरु जी हनुमान चालीसा बहुत दिन से पढ़ रहे पर काम नहीं हो रहा, ठटरी के भरे पढ़ रहा है कि रट रहा है? पहले निर्णय करो, पढ़ रहे हो दवाई ठीक से नहीं खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, गड़बड़ खाओगे, छोटी कार में बड़की कार का पहिया लगा दोगे, एवरेज बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ जी या ना जी, बोलो जोर से बोलो, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। पढ़िए पहले हनुमान चालीसा ही पढ़िए, उसी में लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। रटिए मत, क्या करिए भैया, क्या करिए, लाल आसन बिछाइए, पढ़िए, उसी में चौपाई आती है अष्ट सिद्धि नव। अब बताइए वो आठ सिद्धियां कौन है, पढ़ते भर हो
वही ये आठ सिद्धियां हैं। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रत आकाम ईश्वत्व वसत्व।